अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन। लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस फॉर विच एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम। हमारे पास एफ और जी दो फंक्शंस हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स की लिमिट जो है वो एल है, फंक्शन जी ऑफ एक्स की लिमिट जो है वो एम के इक्वल है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए। अब हम इन्हीं दो की लिमिट के ऊपर हम कुछ थ्योरम करेंगे। अब जिसमें से थ्योरम नंबर वन है हमारे पास, द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। इसका क्या मतलब है? ये सम ऑफ टू फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। पहले हम इन दोनों का सम करेंगे और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। द लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। यानी यहाँ पे वो कहने का क्या मकसद है, अगर हम दो फंक्शंस को ऐड करके लिमिट अप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आएगी अगर हम उनकी लिमिट को पहले ले लें, यानी पहले लिमिट अप्लाई करते हैं फिर इसको सम कर दें, तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम आएगा। यानी हम पहले फंक्शंस को ऐड कर लें और लिमिट बाद में अप्लाई करें, या हम लिमिट पहले अप्लाई करके फंक्शंस को बाद में ऐड करें, इनकी लिमिट्स को बाद में ऐड करें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। अब इसकी एग्जांपल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू। अब यहाँ दो फंक्शंस है, एक्स के ऊपर अलग फंक्शन अप्लाई करेंगे, फाइव पे अलग अप्लाई करेंगे, तो एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन फाइव। अब यहाँ एक्स पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा, फाइव कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट पे हम लिमिट अप्लाई भी करें तो आंसर सेम आएगा, तो ये आ जाएगा फाइव, तो वन प्लस फाइव इज इक्वल टू सिक्स। सेकेंड है, जिस तरह हमने अब एडिशन वाली देखी है अब हम डिफरेंस वाली देखेंगे। द लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम दो फंक्शन का पहले डिफरेंस ले लेते हैं फिर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो वो इक्वल आएगी कि पहले लिमिट लेके फिर इनका डिफरेंस निकाला जाए। यानी कि हम लिमिट ले लें डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस की, पहले डिफरेंस हम निकाल लें, और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन की जब हम लिमिट निकालेंगे इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दियर लिमिट। यानी यहाँ पे क्या इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, पहले हम यहाँ डिफरेंस निकालेंगे फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पहले लिमिट अप्लाई करके फिर डिफरेंस लेंगे, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। अब इसकी एग्जांपल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री एक्स माइनस फाइव। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री, पहले एक्स पे अप्लाई करेंगे फिर फाइव पे अप्लाई करेंगे, तो थ्री पे तो अप्लाई कर सकते हैं, ये फाइव कॉन्स्टेंट है, इसकी लिमिट वही आएगी, तो थ्री एक्स की जगह पे थ्री पुट कर देंगे और फाइव ऐसे आ जाएगा, थ्री माइनस फाइव माइनस टू। नेक्स्ट है थ्योरम थर्ड, इफ के इज एनी रियल कॉन्स्टेंट देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए के इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एल। अब यहाँ क्या मसला इसका वो बता रहे हैं कि हम एक फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें फिर लिमिट अप्लाई करें, या पहले लिमिट अप्लाई करके जो आंसर आए उसको हम अप्लाई मल्टीप्लाई कर दें कैसे, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स हमारे पास एल के इक्वल था, के हमारे पास वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास इसकी एग्जांपल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू थ्री एक्स, थ्री कॉन्स्टेंट है, इस पे लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, एक्स अप्रोचेस टू टू लिमिट अप्लाई कर देंगे एक्स पे, अब एक्स की जगह पे हम टू पुट कर देंगे तो थ्री टू ज़ा सिक्स आ जाएगा। अब है थ्योरम फोर, द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। यानी हम दो फंक्शंस के प्रोडक्ट लेके लिमिट अप्लाई करें या लिमिट अप्लाई करके प्रोडक्ट लें, तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। यानी लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई किया वो इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ दियर लिमिट्स, ये प्रोडक्ट है उनकी लिमिट्स का, तो एफ लिमिट एफ ऑफ एक्स की हमारे पास एल थी, जी ऑफ एक्स की हमारे पास एम थी, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम, क्वेश्चन पे थ्योरम है, द लिमिट ऑफ द कोशेंट ऑफ द टू फंक्शंस इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ दियर लिमिट प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज जीरो इज नॉन जीरो।
अब हमारे पास है डिनोमिनेटर यानी क्वेश्चन की फॉर्म में, अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, ऊपर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और नीचे जी ऑफ एक्स दिया हुआ हो, तो तब हमारे पास कैसे आएगी, यह मैं लिखना भूल गई हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, तो ऊपर अलग अप्लाई कर देंगे, ये मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, तो एफ की हमारे पास थी एल और इसकी थी एम, ये मैं लिखना भूल गई थी इस वजह से ये छोटी सी जगह बच गई है। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे कह क्या रहे थे कि अगर हम अप्लाई करते हैं लिमिट क्वेश्चन के ऊपर, दो फंक्शन का क्वेश्चन लिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, उस पर पहले क्वेश्चन लेके लिमिट अप्लाई करें या इनकी लिमिट लेके फिर क्वेश्चन लें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। और एफ ऑफ एक्स का हमारे पास आंसर एल था और जी ऑफ एक्स का एम था, तो ये हमारे पास एल बाय एम आ जाएगा। अब ये प्रोडक्ट और क्वेश्चन की हमारे पास एग्जांपल है, ये दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2x और x प्लस 4, तो हम 2x पे लिमिट अलग अप्लाई करेंगे, x प्लस 4 पे अलग अप्लाई करेंगे, इन दोनों का जो आंसर आएगा उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है तो x की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ x प्लस 4 है तो x की जगह 1 पुट करेंगे, 4 प्लस 1 ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये 10 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन वाला देखते हैं, ये दो फंक्शन का क्वेश्चन है, इस पे लिमिट क्वेश्चन लेके अप्लाई कर रहे हैं, अब यहाँ इनकी अलग लिमिट लेके फिर क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, 3 टू ज़ा 6 प्लस 4 और यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10 बाय 5। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n वेयर n इज एन इंटीजर। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसकी पावर दी हुई हो तो अब हम लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, पहले हम पावर ले लें फंक्शन की, जो आंसर आए उस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, या पहले लिमिट लेके फिर हम पावर ले लें, तो दोनों का आंसर सेम होगा। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की लिमिट एल थी, उसकी पावर एन आ जाएगी। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास 2x माइनस 3 रेज टू पावर 3 है, अब हम इसकी लिमिट ले लेते हैं पहले 2x माइनस 3, तो इसकी 2 फोर ज़ा 8 माइनस 3 हो जाएगी, 8 माइनस 5 चले 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, फिर हम 5 का क्यूब ले लेंगे तो ये आ जाएगा 125। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, इफ़ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 अप टू सो ऑन ए 1 एक्स प्लस ए नोट इज़ अ पॉलीनोमियल फंक्शन ऑफ द डिग्री एन। यहाँ पे पॉलीनोमियल फंक्शन है, इसकी डिग्री एन है और इसका लीडिंग कोफिशिएंट है हमारे पास ए एन। अब हमने शो क्या करना है, अगर हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स पे, तो वो हमारे पास पी ऑफ सी के इक्वल आ जाएगी। अब हमारे पास लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है हमें, हम हर टर्म पे अलग अलग सेपरेट अप्लाई करेंगे लिमिट। अब यहाँ पे ए हर टर्म में दो टर्म है, एक कोफिशेंट है एक वेरिएबल है, तो कोफिशेंट हमारे पास कांस्टेंट होता है, इस पर हम अप्लाई नहीं करेंगे, एक्स रेस टू पार एन पे अप्लाई करेंगे लिमिट, तो ए एन हमारे पास वैसे आ जाएगा, एक्स रेस टू पार सी लिमिट अप्लाई कर देंगे एक्स रेस टू पार एन पे, ए एन माइनस वन कांस्टेंट है, अब एक्स रेस टू पार एन माइनस वन पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ए वन यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स पे अप्लाई करेंगे और यहाँ ए नॉट पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास x रेज टू पावर n था, उस पर लिमिट अप्लाई कर रहे थे x अप्रोचेस टू c, तो अब हमारे पास c रेज टू पावर n आ जाएगा, यहाँ c n माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ c, तो अब यहाँ देखें जब हमारे पास p ऑफ x था तो यहाँ हर जगह पे हमारे पास x था, अब यहाँ पे हमारे पास c आ रहा है, तो इसका मतलब है ये पॉलीनोमियल फंक्शन है p ऑफ c है ऑफ डिग्री n, तो अब हमारे पास हमने यही प्रूफ करना था लिमिट x अप्रोचेस टू c p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ c।